गुलाबी नगरी पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स, 77 विदेशी यात्री पहुंचे गांधीनगर रेलवे स्टेशन। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के लिए पहुंचे मेहमान, पैलेस ऑन व्हील्स का जोरदार स्वागत किया गया। आरटीडीसी अध्यक्ष सहित W20 के चेयरमैन भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि आज पैलेस ऑन व्हील्स गांधीनगर स्टेशन पहुंची राजधानी जयपुर में, जहां पर दिल्ली से रवाना हुई वो। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार पैलेस ऑन व्हील्स का जोरदार स्वागत किया गया। आरटीडीसी अध्यक्ष सहित W20 के चेयरमैन भी गांधीनगर रेलवे स्टेशन मौजूद रहे। तो गुलाबी नगरी आज पहुंच गई है पैलेस ऑन व्हील्स। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से कलाकारों ने नृत्य कर स्वागत किया, जोरदार स्वागत हुआ। राजस्थान में टूरिज्म के प्रति बहुत आकर्षण है। GITB 12वां है ये। कोविड के बाद में जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो टूरिज्म को किया राजस्थान प्रदेश। वैसे तो पूरी दुनिया में टूरिज्म को लेके बहुत आगे है, बहुत आकर्षण है, लेकिन अब टूरिज्म के बाद में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पे बूस्टर डोज दी है, खासतौर पे होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया और गांव गांव में होटल खुले इसका सरलीकरण किया, इसको लेके बहुत उत्साहित है। और 56 देशों के लोग और हमारे टूरिज्म सेक्रेटरी अरविंद सिंह जी सहित सभी लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत उत्साह है। इस बार 56 देशों के लोग यहाँ पे मौजूद है, तो क्या कुछ अलग इस बार मार्ट में होने वाला है? मैं कह रहा हूँ ना कि ये 3 दिन 23 अप्रैल से 25 अप्रैल का ये जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही राजस्थान को एक टूरिज्म के सातवें आसमान पे लेके जाएगा। बड़ी खबर आ रही है भारतीयों